हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ अकोला में दो हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं एक हॉस्पिटल में, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं। व्यसन मुक्त भारत करना और हर एक को मानसिक स्वास्थ्य देना, ये हमारा मिशन है। ये मैं आज आपको पार्ट टू, भाग दो बोल रहा हूँ वो वीडियो का, जो वीडियो मैंने पार्ट वन में किया था, और वो था डिप्रेशन के ऊपर उपाय उपचार। वो पार्ट वन जो था वो इकार टोली के पावर ऑफ नाउ, यह बुक के ऊपर आधारित था कि डिप्रेशन को कैसे भगाए, डिप्रेशन को अपने थिंकिंग से, थॉट प्रोसेस से कैसे भगाए, उसके बारे में था। उसका पार्ट टू मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ। इसके पहले आप पार्ट वन जरूर देखिएगा। अब इकार टोली ने इसमें यह बताया हुआ है कि आप अभी उसके सॉल्यूशन क्या है डिप्रेशन के, मतलब जब डिप्रेशन आता है, थॉट प्रोसेसेस है उसको, उसके आइडियाज़ या उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में चर्चा की, अभी उसको सॉल्यूशन कैसे करना, मतलब क्या सॉल्यूशन देना उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा मतलब उसने तीन सॉल्यूशन बताए हुए हैं। नंबर वन जो है वो है वॉच द थिंकर, मतलब अपने आप को वॉच करो, जो सोचने वाला मैं हूँ उसको वॉच करो। और आप जब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे, तो सारे विचार गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। यह स्ट्रेटेजी जो है वह क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आधारित है, उसका जो इफेक्ट है, क्वांटम फिजिक्स का जो इफेक्ट है उसके ऊपर आधारित है, जिसका नाम है क्वांटम जीनो इफेक्ट। वो कहलाती है कि द सिस्टम कैन नॉट चेंज व्हाइल यू आर वॉचिंग इट, यदि आप उसको वॉच कर रहे हैं तो वो बदलेगा नहीं। फिर जिसका आपको मौका मिलता है कि आपका जो ऑटो पायलट मोड है थिंकिंग प्रोसेस, उसको डिफीट करने का, उसको स्लो डाउन करने का, तो पहला जो है वो है वॉच द थिंकर। दूसरा जो है कि प्रैक्टिस करो कि मेरा अगला थॉट क्या होगा, मेरा अगला थॉट क्या होगा, मेरा अगला थॉट क्या होगा। मतलब आप जब बार 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 सवाल करते हैं तो थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। तो स्लो डाउन प्रोसेस करने का ये तरीका है, थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करने का, कि भाई मेरा अगला थॉट क्या होगा उसको वॉच करो, उसको सोचो। और नंबर तीन जो है वो है कि करंट सिचुएशन से यदि आप बाहर नहीं आ सकते, या करंट सिचुएशन जहाँ आप अटके हुए हैं वो सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, तो उसको सरेंडर करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको हार मान लो वहाँ, उसका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, उसका मतलब यही है कि जो सिचुएशन में आप है, जिसको आप बदल नहीं सकते या उससे बाहर नहीं आ सकते, उसको सरेंडर करना है, उसका स्वीकार करना है। इसका मतलब उसको विरोध नहीं करने का, उसको रेजिस्ट नहीं करने का। जब आप रेजिस्ट नहीं करते हो, जब आप उसका स्वीकार करते हो, तो धीरे 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 वहाँ वो स्वीकार करने के बाद में वो सिचुएशन गायब हो जाएगी, वो सिचुएशन आप ही आप बदल जाएगी, और वो सिचुएशन में आपको एक नयापन दिखने लगेगा। तो उसको स्वीकार करने का है, एक्सेप्ट करने का है। इसका मतलब है जो सिचुएशन है उसको विरोध नहीं करते हुए जैसा है वैसा है उसका स्वीकार करना, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है, सरेंडर टू द सिचुएशन। ये जो तीन तरीके, जो तीन सॉल्यूशंस टोली ने अपने किताब में बोली हुई है, उसमें आप प्रेजेंट में रह सकते हैं, और जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था पहले वीडियो में कि डिप्रेशन जो है वो क्यों है, क्योंकि हम बहुत अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में, पास के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में बार 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 सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में टेंशन, एंग्जाइटी, वरीज करते हैं। प्रेजेंट में रहने की फीलिंग क्या है, प्रेजेंट में रहना उसको कैसा फील करते हैं, वो होता क्या है, तो प्रेजेंट में रहने की फीलिंग जो है ना उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसा मछली को पानी का एग्जिस्टेंस जो है वो, मतलब मछली को जो पानी का एग्जिस्टेंस है वो बोल के समझा नहीं जा सकता, वो एक्सपीरियंशियल है। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना और प्रेजेंट का एक्सपीरियंस लेना वो एक अनुभव है, और वो समझाया नहीं जा सकता शब्दों में। जब गौतम बुद्ध को पूछा
कि एनलाइटनमेंट की फीलिंग क्या होती है, आत्म साक्षात्कार की फीलिंग क्या होती है, प्रेजेंट की फीलिंग क्या होती है, तो वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। शायद वो समझाना चाहते हैं कि आप भी चुप हो जाओ, और चुप होके साइलेंस में रह के देखो उसकी फीलिंग क्या होती है, तो फील करो प्रेजेंट की फीलिंग। जैसा स्पेस जो है वो स्पेस को समझाया नहीं जा सकता, वो एक्सपीरियंशियल है, और स्पेस जो है वैसे ही साइलेंस का है, साइलेंस जो है उसको समझाया नहीं जा सकता, वो एक्सपीरियंशियल है। तो टोली ने आखिर ये कहा हुआ है कि रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज व्हाट यू हैव, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज व्हाट यू हैव एंड मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बिना दवाई का डिप्रेशन आपका अच्छा हो सकता है, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो पावर ऑफ नाउ, ये इकट टोली की जो किताब है जरूर पढ़िएगा, उसमें से आपको काफ़ी सारा और डिटेल्स मालूम हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग होंगे आपके परिचित कि जिनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उनको फ़ायदा होगा, वो प्रेजेंट में जीना सीखेंगे, डिप्रेशन चला जाएगा। तो आप जरूर उनको वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ये वीडियो सब्सक्राइब करो, आपने किया नहीं होगा तो। सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ एक घंटी का चित्र आएगा, बेल, तो उसके ऊपर भी प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहली बार दिखाई देंगे और आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, आप लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।